हेलो हेलो, देखिए आपका सीआरपीसी पढ़ाया जा रहा था। सीआरपीसी में जहाँ तक पढ़ाया गया है उसके आगे बढ़ा जाए। आपका 154 2 दिन से आपका चल रहा था, डिटेल में आपका बताया जा चुका है और आपका पढ़ाया भी जा चुका है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है, कह सकते हैं कि सेक्शन 1 आपका 55, जहाँ तक सेक्शन 155 की बात है, 155 को देखा जाए, सेक्शन 155 में आपका दिया गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, अर्थात असंज्ञेय अपराध में पुलिस को इत्तिला देना। इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में एनसीआर, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो अब समस्या ये आई कि असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामला होता कौन है, इसमें पुलिस को क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो आइए शुरुआती दौर से हम देखते हैं। पहले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2L में दी गई है, यानी कि असंज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2L में दी गई है, जिसके अनुसार असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी कि असंज्ञेय मामलों में पुलिस को ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट कर ले, ये 2L बताता है। तत्पश्चात आपका सीआरपीसी की धारा 41 का क्लॉज 2 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि असंज्ञेय अपराधों में सेक्शन 42 के सिवाय किसी व्यक्ति को वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। यानी कि जो बातें 2L में कही गई हैं उन बातों को फिर घोषित किया गया है कि सेक्शन 42 के सिवाय, यानी कि सेक्शन 42 में दी गई दशाओं के सिवाय किसी व्यक्ति को असंज्ञेय मामलों में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो आखिर 42 में है क्या? तो 42 मेंस के लिए भी आपको अलग से पढ़ाया जा चुका है। सेक्शन 42 में दो ऐसी दशाएं दी गई हैं जहां की पुलिस किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध में भी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। फिर एक बार हम बता दें, देखिए आपका पहली दशा है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में, पुलिस के एपियरेंस में असंज्ञेय अपराध करता है तब, और दूसरी कंडीशन है कि यदि किसी व्यक्ति पर पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किए जाने का अभियोग लगाया जाता है, तब सेक्शन 42 के तहत पुलिस ऐसे व्यक्ति को उसका सही नाम और निवास ज्ञात करने के लिए, ये भी प्री में भी आ चुका है, किस उद्देश्य के लिए गिरफ्तार किया जाता है असंज्ञेय मामलों में, तो उस व्यक्ति का सही नाम और निवास ज्ञात करने के लिए पुलिस ऐसे व्यक्ति को विदाउट वारंट, यानी कि वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं। असंज्ञेय का मतलब होता है साधारण। साधारण यानी कि
ऐसा अपराध जो साधारण अपराध हो, ऐसे अपराध में पूरा समाज प्रभावित नहीं होता, केवल और केवल आपका पीड़ित या विक्टिम या आहत ही प्रभावित होता है। अतः रिपोर्ट सभी लोग दर्ज नहीं करा सकते, बल्कि केवल आहत ही या पीड़ित ही या विक्टिम ही इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। असंज्ञेय मामलों या असंज्ञेय अपराध की जहाँ तक बात है, अगर हम शुद्ध रूप से देखें तो जो असंज्ञेय अपराध हैं ये ज़्यादातर अपकृत या टाट में मिलेंगे, क्योंकि टाट में भी जो क्षति होती है वह व्यक्तिगत होती है, समाज को नहीं होती। यानी कि जो अपकृत या दुष्कृत हैं, असंज्ञेय अपराध ज़्यादातर दुष्कृत भी या टाट भी बनाए गए हैं। आइए, अगर ये असंज्ञेय अपराध किसे माना जाएगा, इसका निर्धारण प्रथम अनुसूची से किया जाएगा। सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में स्पष्ट रूप से कौन से अपराध नॉन कॉग्निजेबल होंगे, इनका उल्लेख किया गया है। तो आइए देखते हैं, असंज्ञेय अपराध में रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो आइए, असंज्ञेय अपराध में सूचना देने और रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 155 में किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। देखिए एक-एक शब्दों को। असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और मामलों का इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इत्तिला भी इसी में आपका दी गई है और इन्वेस्टिगेशन भी दिया गया है। अब एक-एक क्लाज को तोड़ना है और उसी को आपका समझना भी है। आइए 155 का पहले क्लाज वन हम देखते हैं। देखिए क्लाज वन क्या कहता है, एक-एक शब्दों पर ध्यान दीजिए और तब आपका लास्ट में संज्ञेय और असंज्ञेय में क्या अंतर है वह बताया जाएगा। देखिए पहला क्लाज, जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध किए जाने की इत्तिला दी जाती है, अब इसको तोड़ते रहना है, यानी कि असंज्ञेय अपराध में इत्तिला किस धारा में दी जाती है, 155 में असंज्ञेय अपराध में इत्तिला किसको देंगे, तो थाने के भार साधक अधिकारी को देंगे। ये दूसरी बात बेयर एक्ट से निकली। तीसरी बार देखिए, दी जाती हैं तब वह ऐसी इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार विहित करे, यानी कि तब इत्तिला या सूचना का आपका सार लिखा जाएगा, और सार किस रजिस्टर पर लिखा जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया हो। देखिए अगला, अभी हम इसको बताते हैं, और प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट करवाएगा, यानी कि या तो स्वयं सार लिखेगा मुख्य मुख्य बातें या किसी से लिखवाएगा, और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। और थाने का भार साधक अधिकारी इत्तिला देने वाले को, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया है, इत्तिला देने वाले को क्या करेगा, निर्देशित करेगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए
क्यों मजिस्ट्रेट के पास जाइए ये हम अभी बताएंगे डिटेल में। यानी कि आइए पहला क्लाज हम देखते हैं एक एक करके। असंगी अपराध घटित होने की सूचना सेक्शन 155 के तहत दी जाती है। ऐसी सूचना उस असंगी अपराध के घटित होने की जो आपका जिस क्षेत्र में वह असंगी अपराध घटित हुआ है उस क्षेत्र के थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी सूचना दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी सूचना जो दी जाती है थाने के भारसाधक अधिकारी को ही, थानेदार को ही दी जाती है। लेकिन संज्ञेय से एक मामले में अंतर आ गया कि संज्ञेय अपराध की सूचना 154 के तहत भारत के किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती थी, लेकिन 155 में असंज्ञेय अपराध की सूचना केवल उस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती है जिसके क्षेत्राधिकार के अंदर अपराध हुआ हो। अब अगला ये अच्छे से याद रखिएगा, असंज्ञेय अपराध की सूचना पूरे भारत के में किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को नहीं दी जाती। ये अच्छे से याद रखना है। जब इत्तिला दे दी गई तो समस्या ये आई कि वह इत्तिला लिखी जाएगी तो शब्दशः लिखी जाएगी कि उस इत्तिला या सूचना की मुख्य मुख्य बातें, तो फिर 154 से कवर करते रहिए। FIR शब्दशः लिखा जाता था, अक्षरशः लिखा जाता था, वर्ड बाय वर्ड लिखा जाता था, लेकिन जहाँ तक 154 में NCR की बात है या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की बात है, ये शब्दशः न लिखकर इसका सार लिखा जाता है। सार यानी कि मुख्य मुख्य बातें। या तो थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं ये बातें लिखे या किसी अपने अधीनस्थ से ये NCR लिखवा सकता है। NCR जो लिखा जाता है वह NCR रजिस्टर पर लिखा जाता है और इसके लिए जो प्रोफार्मा दिया गया है, प्ररूप दिया गया है, जो UP में प्ररूप है वह थोड़ा सतर्क रहना है, वह आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 के प्ररूप संख्या या फार्म नंबर 347। यानी कि फार्म नंबर या प्ररूप संख्या 347 के तहत NCR दर्ज करने का मॉडल या प्ररूप का उल्लेख किया गया है। NCR कितनी प्रतियों में दर्ज होगा ये भी याद रखना है। जो NCR होता है वह 2 प्रति में दर्ज किया जाता है। अच्छे से इसको याद रखेंगे। असंज्ञेय अपराध में जो इत्तिला दर्ज की जाती है वह 2 प्रतियों में होती है। दोनों प्रतियों पर किसका साइन होता है, किसका हस्ताक्षर होता है ये भी याद रखना है। दोनों प्रतियों पर सूचनादाता का हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह रहेगा और थाने के भारसाधक अधिकारी का भी हस्ताक्षर होगा। दोनों प्रतियों पर ये जो हस्ताक्षर होगा वह अलग अलग कराना चाहिए। मूल प्रति
थाने के रिकॉर्ड में रहेगी, जबकि सेकंड प्रति सूचनादाता को दी जाएगी, यानी कि प्रथम प्रति या मूल प्रति थाने के रिकॉर्ड में रहती है, द्वितीय प्रति सूचनादाता को दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है, इसके लिए भी पैसा नहीं लिया जाता। अगला देखा जाए, जब एनसीआर रजिस्टर पर दर्ज हो जाता है तो एनसीआर की मुख्य बातें जीडी में दर्ज की जाती हैं, जनरल डायरी में दर्ज की जाती हैं, स्टेशन डायरी कहिए, रोजनामचा आम कहिए, उसमें दर्ज की जाती हैं, और रोजनामचा आम का जो प्रावधान किया गया है वह पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 44 में, यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 का सेक्शन 44 के तहत जीडी जो दी गई है उसमें एनसीआर की मुख्य बातें दर्ज की जाती हैं। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि जब एनसीआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस क्या कार्यवाही करती है, तो बस एक लाइन याद रखिएगा, जब एनसीआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस सूचनादाता को निर्देशित करती है कि वह मजिस्ट्रेट के पास जाए। क्यों ऐसा निर्देशित करती है पुलिस? क्योंकि धारा 155 के तहत पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण नहीं कर सकती, और सीआरपीसी की धारा 2L के अनुसार पुलिस ऐसे मामलों में अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, यानी कि पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना न तो अरेस्ट करने की शक्ति है, न ही इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश या विवेचना करने की शक्ति है। अतः पुलिस सूचनादाता को निर्देशित करती है कि वह मजिस्ट्रेट के पास जाए और इन्वेस्टिगेशन का आदेश निकलवाए, या आपका कह सकते हैं कि गिरफ्तारी का आदेश निकलवाए। ये आपका पहला पॉइंट बताया गया, और ये जो पहला पॉइंट हुआ 155 के क्लाज 1 का। आइए अब 155 के क्लाज 2 को देखा जाए। जहाँ तक क्लाज 2 की बात है, आइए क्लाज 2 को पढ़ा जाए। धारा 155 का अब हम क्लाज 2 एक एक पॉइंटों को देखेंगे। देखिए भाई बेरक, कोई पुलिस अधिकारी किसी असंगेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो इन्वेस्टिगेशन होगा, अन्वेषण किया जाएगा, तो कोई पुलिस अधिकारी आपका ऐसे मामलों का अन्वेषण नहीं, नकारात्मक या निगेटिव भाषा में लिखा है, इसको हम बेयर एक्ट के बाद सकारात्मक रूप में बताएंगे। फिर एक बार देखिए, पहले बेयर एक्ट, कोई पुलिस अधिकारी किसी असंगेय मामले का इन्वेस्टिगेशन ऐसे मजिस्ट्रेट आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण का आदेश किस सेक्शन के तहत
मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। तो आपका जवाब रहेगा 155 के क्लाज 2 के तहत। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, क्या असंज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? तो आपका जवाब रहेगा नहीं कर सकती। तीसरा क्वेश्चन जो इंटरव्यू में भी बना है, इसको अच्छे से तैयार रखना है कि कौन मजिस्ट्रेट सक्षम है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। तो अच्छे से तैयार रखिए, कौन मजिस्ट्रेट सक्षम है जिस मजिस्ट्रेट को उस असंज्ञेय अपराध का ट्रायल या विचारण करने की शक्ति प्राप्त हो, या विचारण करने की शक्ति तो प्राप्त नहीं है लेकिन विचारण के लिए कमिट करने की शक्ति प्राप्त हो, यानी कि सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त हो। फिर एक बार इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन इंटरव्यू में बनता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है? तो दो मजिस्ट्रेट बताइएगा, ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे ऐसे अपराध का ट्रायल या विचारण करने की शक्ति प्राप्त हो। दूसरा कौन दे सकता है? ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे विचारण की शक्ति भले ही प्राप्त न हो लेकिन विचारण के लिए वह ऊपर के न्यायालय को कमिट कर सकता है मामला, कमिट यानी कि सुपुर्द कर सकता है, सुपुर्द का मतलब उपार्पण कर सकता है। तो इन दो प्रकार के मजिस्ट्रेटों को असंज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। आइए अब तीसरा क्लास देखा जाए, कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्ति का प्रयोग कर सकता है जैसे पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी संज्ञेय मामलों में कर सकता है लेकिन वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होगी। अब यहाँ भी इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन ये बना है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में के इन्वेस्टिगेशन में जब मजिस्ट्रेट आदेश दे दिया है तो कौन सी शक्ति का प्रयोग इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा? तो बस एक लाइन याद रखिए, जिस प्रकार कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध में अन्वेषण किया जाता है या जो शक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय अपराध में थाने के भार साधक अधिकारी को प्राप्त होती है वही शक्ति असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण में थाने के भार साधक अधिकारी को होगी लेकिन यह तब अन्वेषण होगा जब मजिस्ट्रेट 155 के क्लाज 2 के तहत इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे। लेकिन एक शक्ति नहीं होगी, थोड़ा सतर्क रहना है कि भले ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण का आदेश दे दिया गया हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार भी कर सकती है। यानी कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने का पावर पुलिस को नहीं होगा। तो असंज्ञेय मामलों में वारंट पर गिरफ्तारी सामान्यतः होगी, यानी कि जब तक मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का वारंट जारी न कर दे असंज्ञेय अपराध के अभियुक्त को
सामान्यतः वारंट के बिना माने वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अपवाद सेक्शन 42 में दिया गया है। आइए क्लाज चार देखा जाए। क्लाज चार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लाज चार मेंस में भी अलग से आ चुका है, उत्तराखंड इत्यादि में, इसको अंडरलाइन कर लेना है और अच्छे से देखना है। आइए पहले कुछ उदाहरण देखा जाए और एक उदाहरण आपका बनाया जाए। देखिए आपका, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि एक चना अगर है तो भाड़ फोड़ सकता है, यानी कि एक बिहारी सब पे भारी। ये जो आपका एक बिहारी सब पे भारी का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को 155 के क्लाज फोर में लीगल तौर पर अप्लाई करना है। देखिए क्या कहता है, पहले क्लाज फोर का बेयर एक्ट बता दिया जाए, तब आपका समझाया जाए। यहाँ से मेंस में टिप्पणी में समस्यात्मक क्वेश्चन बना है, अच्छे से इसको तैयार रखिए। आइए देखा जाए आपका क्लाज फोर। ये बताया गया है क्लाज फोर में कि जहाँ मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक कांग्निजेबल है, संज्ञेय है, वहाँ इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय हैं, यह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा। इसका मतलब अब अपराध और मामला आपको पहले देखना है। आइए एक उदाहरण देखा जाए सबसे अच्छा। ए बी के घर में प्रवेश करता है, यानी कि ए बी के घर में प्रवेश करता है, तो जो ए ने पहला अपराध किया, गृह अतिचार किया, गृह अतिचार हाउस ट्रेसपास, गृह अतिचार किया। जब ए बी के घर में घुस गया तो बी की टीवी ही फोड़ दिया, तो जब टीवी फोड़ दिया तो मिसचीफ या रिष्टि किया, और धीरे से इसने क्या काम किया कि बी के घर में जो घड़ी थी उसको चुपके से लेकर चंपत हो गया, यानी कि भाग गया। देखिए अब आपका ऑफेंस और मैटर यहीं समझ लेना है। देखिए संव्यवहार एक है, इस ट्रांजैक्शन में आपका तीन अपराध हुए। पहला अपराध हाउस ट्रेसपास का, दूसरा मिसचीफ का और तीसरा थेफ्ट का। तो ये अलग अलग तीनों ऑफेंस कहे जाएंगे और पूरी घटना को ले लिया जाए, यानी कि तीनों पूरी घटना में जितने अपराध हुए हैं तो तीन ही अपराध हुए हैं। तो जब पूरी घटना को हम ले लेंगे तो पूरी घटना को हम मैटर या मामला कहेंगे, यानी कि पूरी घटना को मैटर कहा जाता है और उस मैटर में एक या एक से अधिक ऑफेंस हो सकते हैं। जैसे इस उदाहरण में हमने जितने तीन ऑफेंस कराए हैं, अब ऐसी दशा में जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो एक एक अपराधों की अलग अलग नहीं होती बल्कि पूरे मैटर की होती है। अब क्लाज फोर ये कहता है कि अगर एक मामला है और उस मामले में एक से अधिक ऑफेंस हुए हैं और उन ऑफेंसों में या उन अपराधों में यदि एक भी अपराध कांग्निजेबल है, संज्ञेय है,
तो ऐसी दशा में पूरे मामले को संज्ञेय मामला समझा जाएगा, और जैसे ही मामला संज्ञेय हो गया तो अब इसकी जो रिपोर्ट दर्ज होगी वह सेक्शन 154 के तहत होगी, यानी कि एफआईआर दर्ज होगा, यानी कि एफआईआर दर्ज होगा। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार रखिए। इस उदाहरण में भी तीन अपराध हमने कराए, अगर इन तीन अपराधों में एक भी अपराध कांग्निजेबल निकल जाता है, संज्ञेय निकल जाता है, तो इस पूरे मामले को संज्ञेय मामला समझा जाएगा तथा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी, एनसीआर नहीं। इस प्रकार आपका एनसीआर दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। अब आइए संघ आपका 156 देखा जाए। संज्ञेय मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, यानी कि अब इन्वेस्टिगेशन पर हमें चलना है। इधर से आपका यूपी तमाम जगह कंसेप्चुअल क्वेश्चन बने हैं। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ बने हैं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है, प्री में भी और मेंस में भी। आपका जो प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है, सबको हमें लेकर चलना है। तो यहाँ पहले दो मॉडल बना लिया जाए। पहला, संज्ञेय मामलों में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की शक्ति, और आपका प्रक्रिया बताइए। तो अगर पावर पूछे कि इन्वेस्टिगेशन संज्ञेय मामलों का है, तो पावर पूछे तो 156 से मिलता है, और प्रक्रिया अगर पूछे, ये भी आपका मेंस में आ चुका है, कि इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया का उल्लेख करिए, तो अगर प्रोसीजर पूछे तो तीन सेक्शन लिखिएगा, 157, 158 और 159। फिर हम बता दें, अगर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर या प्रक्रिया पूछे तो आप, फिर हम बता देते हैं, आप कह सकते हैं कि तीन सेक्शन लिखेंगे, 157, 158 और 159। अगर आपका ये क्वेश्चन आए कि इन्वेस्टिगेशन में क्या पावर होता है पुलिस को, तो अगला आपका लिखना पड़ेगा 160, यानि कि 160, 161 और 162। यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन में शक्ति पूछे तो शक्ति के लिए 160, 161, और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और पुलिस ने जो बयान दर्ज किया है उसका एविडेंशियल वैल्यू 162 में दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में आपका कह सकते हैं कि क्या प्रक्रिया है क्या नहीं। वन फिफ्टी सिक्स भी काफ़ी समय महत्वपूर्ण है, और आपका इन्वेस्टिगेशन में दो तीन केस भी इस पर याद रखना पड़ेगा। लेकिन आपका हम शुरू करते हैं अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। जब भी आप अन्वेषण पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे 2H में। बाय डिफिनीशन हम पढ़ाएंगे 2H में। इसके बाद आपका 155 पढ़ना है, 155 का क्लाज 2 पढ़ना है, फिर आपका 156 का क्लाज 1 भी पढ़ना है, और 156 का
क्लाज 3 भी पढ़ना है, फिर इसके बाद आपका 159 पढ़ना है, यानी कि सेक्शन 159। अब कैसे ये कोरिलेट हैं, इसके बाद आपका अन्वेषण को रोकने की शक्ति, ये भी आजकल खूब पूछ रहा है प्री और मेंस में, तो सेक्शन 167 का क्लाज 5 भी पढ़ना है। इसी के साथ आपका 3 केस पढ़ना है और 3 केस अच्छे से याद रखना है, आपका तीनों केस बताया जाए। पहला केस है किंग एम्परर बनाम ख्वाजा नाजिर अहमद, तीन केस अच्छे से याद रखना है। पहला है किंग एम्परर वर्सेज ख्वाजा नाजिर अहमद। किंग एम्परर वर्सेज ख्वाजा नाजिर अहमद का केस है, ये 1945 का केस है, 1945 का प्रीवी काउंसिल का है। जो दूसरा केस आपका पढ़ना है, इस बिंदु पर आपका कह सकते हैं कि जो दूसरा केस पढ़ना है, अवनिंद्र झा बनाम दिनेश मिश्रा, अवनिंद्र झा वर्सेज दिनेश मिश्रा। अवनिंद्र झा वर्सेज दिनेश मिश्रा का केस पढ़ना है, ये 1968 का केस है और सुप्रीम कोर्ट का है। तीसरा जो 2015 में केस आया है, ये भी अच्छे से पढ़ना है, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य, 2015 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि आपका 3 पॉइंट पढ़ने हैं, देखिए कह करके भाई, आपका इन्वेस्टिगेशन एकदम शुरुआत किया जाए तब आपका 156 बताया जाएगा, और इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं, उसको भी गौर से आपको पढ़ना है। देखिए पहले इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान या तफ्तीश या विवेचना, ये जो तफ्तीश या विवेचना होती है, इसको डिफाइन किया गया है CRPC की धारा 2H में। तफ्तीश मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा नहीं की जाती, पहला नियम। तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, यानी कि या तो पुलिस अधिकारी करे इन्वेस्टिगेशन या मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज कोई व्यक्ति करे, लेकिन मजिस्ट्रेट या न्यायालय कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, दिमाग में बैठा लीजिए। ये इन्वेस्टिगेशन का आदेश जरूर दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पज होता है, वह ये होता है कि एविडेंस को कलेक्ट किया जाए, यानी कि साक्ष्य को एकत्रित किया जाए। अब आइए सबसे पहले वन असंगे मामलों में अन्वेषण हम देखते हैं,
जहाँ तक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात है, सेक्शन 155 का क्लाज 2 अभी बताया गया में यह स्पष्ट बताया गया है कि असंगेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन का आदेश कौन दे सकता है। तो असंगेय मामलों में अन्वेषण का आदेश या तो वह न्यायालय दे सकता है जो उस मामले का ट्रायल करने की शक्ति रखता हो, या भले ही ट्रायल करने की शक्ति न रखता हो लेकिन ट्रायल के लिए कमिट करना सुपुर्द करने की शक्ति रखता हो। क्लाज 3 ये बताता है 155 का कि आपका जब मजिस्ट्रेट असंगेय अपराध में अन्वेषण का आदेश दे दिया तो वारंट के बिना गिरफ्तारी के सिवाय पुलिस को वही शक्ति प्राप्त होगी अन्वेषण में जो वह संज्ञेय अपराध में रखता है, यानी कि वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके बाद जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में अपनाई जाती है। अब इतना बताने के बाद एक क्वेश्चन पर आना है, मुख्य रूप से वह क्वेश्चन हमें देखना है असंगेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन। अब ऑप्शन ये बनता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश से ही पुलिस करती है, दूसरा बनता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी कर सकती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा केवल और केवल असंगेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के आदेश से ही किया जाएगा, पुलिस स्वतः या अपने आप या सेल्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। दूसरा ये 155 के बाद 156 देखा जाए, 156 का क्लाज 1 देखना है और 156 का क्लाज 3 भी देखना है। अभी हम बेरेक बताएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। 156 का क्लाज 1 से कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में या संज्ञेय अपराध में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का पावर कहां से प्राप्त होता है। तो आपका जवाब रहेगा पुलिस को संज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन का पावर 156 से प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन कैसे पुलिस कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी कर सकती है। अगर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना करती है तो 156 का क्लाज 1 में है प्रावधान, और मजिस्ट्रेट के आदेश से करती है तो 156 के क्लाज 3 में प्रावधान है। क्लाज 3 पर ही 3 आपका कह सकते हैं कि आपका 3 कह सकते हैं केस भी हैं, और नया जो केस है 2015 का प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, अभी बताया जाएगा डिटेल में। पहले कुछ सामान्य बातें हो जाए, इसके बाद आपका 159 आ जाती है। यदि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है और रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन से पुलिस डिनाई कर दे या अन्वेषण न करे तब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है, ये प्रावधान 159 में है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आपका खूब आजकल क्वेश्चन बन रहा है कि क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है
अन्वेषण को रोक सकता है। तो सामान्यतः मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक सकता। क्यों? अब इसी में आपका दो केस कवर करना है। पहला केस कवर करना है किंग एम्परर बनाम ख्वाजा नाजिर अहमद का 1945 का प्रिवी काउंसिल का। किंग एम्परर वर्सेज ख्वाजा नाजिर अहमद के वाद में प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट बता दिया कि पुलिस का कार्य अलग है, मजिस्ट्रेट का कार्य अलग है। पुलिस का कार्य अन्वेषण करना है, मजिस्ट्रेट का कार्य जांच या विचारण करना है। दोनों के कार्य एक दूसरे में व्यापी नहीं हैं बल्कि स्वतंत्र हैं। यानी कि सामान्यतः मजिस्ट्रेट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप न करे और पुलिस भी मजिस्ट्रेट के जांच या विचारण में हस्तक्षेप न करे, क्योंकि दोनों के कार्य एक दूसरे में व्यापी नहीं हैं बल्कि क्या हैं, अलग अलग। अतः मजिस्ट्रेट को बार बार पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब यही बात जो प्रिवी काउंसिल ने 1945 में बताई थी, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी इसे सही माना और वह केस हैं अवनिंद्र झा वर्सेज दिनेश मिश्रा। अवनिंद्र झा वर्सेज दिनेश मिश्रा 1968 सुप्रीम कोर्ट। तत्पश्चात आपका मजिस्ट्रेट द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश संघीय मामलों में दिया जा सकता है। उसका प्रावधान 156 के क्लाज 3 में दिया गया है। तो आपका एक एक करके देखिए, आपका 156 का आपका क्लाज 1 शुरू किया जाए। देखिए अब हेडिंग देखिए 156 में, संघीय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। देखिए पहला क्लाज क्या कहता है, कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संघीय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठा कि किस अपराध का इन्वेस्टिगेशन पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कर सकती है। संज्ञेय अपराध की असंज्ञेय अपराध, तो आपका जवाब रहेगा संज्ञेय अपराध। पुलिस को संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना स्वतः इन्वेस्टिगेशन करने का पावर किस सेक्शन से मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 156 का क्लाज 1। तीसरा क्वेश्चन बना है समस्यात्मक आपका इंटरव्यू में कि पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई, अभी FIR दर्ज नहीं हुआ, तो क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकती है कि नहीं। यानी कि इन्वेस्टिगेशन क्या FIR के बाद ही शुरू होगा कि सूचना मिलते ही शुरू हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सूचना की प्राप्ति से ही शुरू हो जाता है, भले ही FIR उस समय बाद दर्ज की गई हो। यानी कि घटना के बाद साक्ष्य एकत्र करना पुलिस शुरू कर देती है भले FIR कुछ समय बाद दर्ज हो, उससे मतलब नहीं है।
अगला ये आया कि पुलिस संज्ञेय अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, स्वतः कर सकती है, तो आपका कब कर सकती है? तो पुलिस ये देखेगी कि क्या जो जांच और विचारण का स्थान यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल का स्थान चैप्टर 13 में सेक्शन 177 से लेकर 189 तक दिया गया है, क्या जो न्यायालय उस थाने की सीमाओं पर यानी कि उस थाने पर क्षेत्राधिकार रखता है, क्या उस न्यायालय को ऐसे अपराध की जांच और विचारण करने की क्षमता प्राप्त है कि नहीं? अगर क्षमता प्राप्त है, पुलिस को लगता है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकती है। दूसरा क्लास देखिए, दूसरा क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और दूसरा क्लास आपका इन्वेस्टिगेशन को वैधता प्रदान करने के लिए है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को उस एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने का पावर नहीं था, कर ही लिया है, तो वह सही माना जाएगा इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि एविडेंस में आप लोग पढ़ेंगे कि अगर गलत तरीके से या अनुचित तरीके से एविडेंस प्राप्त कर लिया गया है, तो वह सही माना जाता है, वह एविडेंस रेलेवेंट होता है। उसी प्रकार अगर इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं के लिए कोई पुलिस अधिकारी सशक्त नहीं था और वह इन्वेस्टिगेशन कर ही दिया है, तो उस इन्वेस्टिगेशन को वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से आपका 156 के क्लाज 2 में कही गई है। एक बार बेयर एक्ट बता दिया जाए, ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण के लिए सशक्त न था। तीसरा पॉइंट है कि धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकता है। यानी कि असंज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश से भी अन्वेषण हो सकता है। जब मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश देता है तो 156 के क्लाज 3 में देता है। कौन मजिस्ट्रेट दे सकता है? जो सेक्शन 190 के तहत आपका मने सशक्त हैं, यानी कि धारा 190 के तहत जो मजिस्ट्रेट उस अपराध के संज्ञान के लिए सशक्त किया गया है, वह मजिस्ट्रेट पुलिस को संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। इस क्लाज को अभी आपका ब्रेक के बाद डिटेल में हम बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल बातें भी हैं। तो 15 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा और उसके बाद आपका CRPC का ही आज भी क्लास चलेगा। अभी तो 15 मिनट बाद अभी क्लास चलेगा।